Hello everyone, welcome or welcome back to this channel, A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So, क्या है कि मैंने बहुत टाइम पहले जो हमारा रेपर्टरी है उसका एक वीडियो डाला था, आई थिंक विच इज अ रूब्रिक. ठीक है, रूब्रिक इस काइंड ऑफ की वो 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट नोट रहती है. तो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला एंड देन आई फील लाइक कि जो रिपोर्टरी का बेसिक पार्ट है, मतलब कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, लाइक दूसरी रिपोर्टरीज की बात अगर हम ना करते, वो जो बेसिक चीजें हैं जो कि हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए रिपोर्टरी पढ़ते टाइम. ठीक है, तो उसको मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ, इसके रेगुलर लेक्चर्स आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करूंगी, देन वी विल गो फर्दर कि भाई प्रोसेस ऑफ रिपोर्टराइजेशन एंड देन उसके बाद हम जो BTBB है, BBCR है, कैंट है, उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, तो उसके लिए ही सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है यूजेज ऑफ द रिपोर्टरी. और उसी के साथ साथ देखोगे तो इसको आप दूसरा भी नाम दे सकते हो, विच इज द स्कोप ऑफ रिपोर्टरी. ठीक है, मतलब कि आपको ये जो एक चीज है वो अगेन आपको शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, मतलब कि 5 मार्क्स में पूछी जाती है. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारी नोट्स बनाई हुई हैं. और इसको जैसे कि एक चीज ऐसे आती है, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि यूजेज एंड द लिमिटेशन, उसी के साथ साथ स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द रिपोर्टरी. ठीक है, तो उसके अंदर से जो फर्स्ट पार्ट है कि यूजेज ऑफ द रिपोर्टरी, उसको मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं वो मैंने अपने खुद के लिए बनाई थी, तो ये जो एग्जाम बेस है उसी तरीके से पूरी नोट्स बनी हुई है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मेनोविक मेरे तरफ से बनाने की कोशिश करी हुई है, जिससे कि मैं ये जो सारे आगे के पॉइंट्स है वो याद रखती हूँ. ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो इनिशियल लेटर्स हैं, जो ये सारे पॉइंट्स है उनके जो इनिशियल लेटर्स है उनको मिलाकर एक छोटा सा मेनोमिक बनाया हुआ है, विच इज HR2C2SOFT. ठीक है, तो उसके अंदर से जो S है वो 6 बार आएगा. ये सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है कि होम्योपैथी वर्सेस पैथोलॉजी, मतलब कि अब हमको ये बेसिक आइडिया सबसे पहले तो होना चाहिए कि व्हाट इज द रिपोर्टरी. ठीक है, रिपोर्टरी की मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रही, बिकॉज कि जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ कि वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए. लेकिन अभी मैं एक इंटेलेक्चुअली थिंकिंग की बात कर रही हूँ, मतलब सोचने की बात कर रही हूँ कि रिपोर्टरी एक्चुअली हमें क्या लगता है कि रिपोर्टरी क्या है. ठीक है, तो रिपोर्टरी इन शॉर्ट ये क्या है, इट्स काइंड ऑफ वन बुक. ठीक है, एक बुक है जिसके अंदर कि आपको सारे के सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं. और जैसे हम मटेरियल में देखते हैं कि हमको एक मेडिसिन के नीचे कुछ सिम्टम्स दिए हुए होते हैं. ठीक है, उसी तरीके से रिपोर्टरी में क्या किया गया है, रिपोर्टरी में उल्टी चीज करी हुई है कि हमें मेडिसिन का नाम दिया गया है और मतलब कि उसके अंदर एक सिम्टम दिया गया है और उसको कौन कौन सी मेडिसिन कवर करती है ये चीज हमें बताई गई है. ठीक है, ऊपर ऊपर से देखे तो हमें इतनी समझ आती है. उसके आगे देखें तो भाई जैसे आपने देखा है कि रिपोर्टरी के अंदर, जैसे मैंने बोला कि एक सिम्टम के बेसिस के ऊपर कितनी मेडिसिन आपको मिलेगी ये चीज हम देखते हैं, राइट. तो यहाँ पर हम मेन इंपॉर्टेंस किसको देंगे, सिम्टम को इम्पोर्टेंस देंगे. तो उसी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि जब आप रिपोर्टरी पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सिम्टम्स होते हैं, राइट. तो या फिर तो ये जो एक पर्टिकुलर आपके सामने एक सिम्टम्स रखा हुआ है वो किस कैटेगरी में आता है, राइट. तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेरे चैनल पर जाओगे और टाइप ऑफ सिम्टम्स से या फिर एक सिम्टोमेटोलॉजी, इस तरीके से 2 वीडियोस मैंने पहले से बनाकर रखे हुए हैं, वहां पर जाओगे तो आपको हर एक टाइप के सिम्टम्स दिख जाएंगे. और प्लस उनके मैंने एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज को समझाया है, प्लस उसका जो मतलब कि उसका जो इंट्रोडक्शन है या फिर तो वो किस तरीके से समझोगे कि ये इस तरीके का सिम्टम है. ठीक है, वो सारी चीजें मैंने समझाई हुई है. उसके आगे चलते हैं तो लाइक होम्योपैथी के अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा सिम्टम है वो आपका मतलब पेशेंट का सिम्टम और आपकी जो मेडिसिन है उसका सिम्टम सेम होना चाहिए, राइट. तभी आप उस मेडिसिन को उस पर्टिकुलर पेशेंट को दोगे, विच मीन्स दी होम्योपैथी, राइट. वर्सेस पैथोलॉजी की बात करेंगे कि भाई पैथोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, राइट. तो इन शॉर्ट की होम्योपैथी जो है उसके अंदर ही हमारा पैथोलॉजी आ जाता है. लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडली देखें तो लाइक जो एलोपैथ है उनके लिए पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आर वी मोर इम्पोर्टेंट, राइट. तो क्या होता है यहाँ पर कि हम जब एक अच्छे से एक कोई भी रिपोर्टरी, आप BTPB, BBCR कोई भी रिपोर्टरी लोगे, उसके अंदर सिम्टम के बेसिस के ऊपर अगर किसी डिजीज किसी मेडिसिन को समझने की कोशिश करोगे तो आपका जो मॉडर्न मतलब कि जो मॉडर्न
हमारा मॉडल जो पैथी है या फिर जो एलोपैथी है, ठीक है, उसको भी आप समझ सकोगे, मतलब उसके वे के अंदर आप सारी चीजें समझ सकोगे। तो इट हेल्प्स टू स्टडी होम्योपैथी इन रिलेशन टू मॉडर्न पैथोलॉजी, राइट। तो आपने क्या किया कि इस जो होम्योपैथी है उसको ही उल्टा कर दिया कि हम होम्योपैथी में ऐसा बोलते हैं कि डिजीज के सिम्टम और मेडिसिन के सिम्टम सेम होने चाहिए, तब जाकर हम मेडिसिन देंगे। अब हमने क्या बोला कि जैसे हमारी डिजीज है उसके जो सिम्टम्स है, पर्टिकुलरली जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, तो मतलब पैथोलॉजिकल सिम्टम से क्या मिलेगा, डायग्नोसिस मिलेगा। तो डायग्नोसिस के बेसिस के ऊपर आप कोई भी मेडिसिन दोगे, लाइक एकोनाइट हो गए या कोई भी मेडिसिन, मतलब इन शॉर्ट आप दोगे, ठीक है। हेडेक के लिए हमने एकोनाइट दे दिया, ठीक है, डेलिरियम के लिए हमने बेलाडोना ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका आप मॉडर्न जो पैथोलॉजी है उसको भी जो हमारा रिपर्टरी है उससे समझ सकोगे। वो किस तरीके से समझ सकोगे, बाय द क्लिनिकल रूब्रिक एंड द नंबर ऑफ मेडिसिन, जो कि मैंने आपको आगे अच्छे से समझाया। अब दूसरी चीज की बात करेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा है कि रेफरेंस बुक, मतलब ये जो पहला पॉइंट था एच जो था उसके ऊपर से आ रहा है आपका होम्योपैथी वर्सेस पैथोलॉजी। अब आर टू, मतलब आर टू के अंदर से जो आर फर्स्ट है विच इज अ रेफरेंस बुक, मतलब कि जब मैंने बोला कि हम मटेरिया मेडिका के अंदर एक मेडिसिन के नीचे बहुत सारे हम क्या करते हैं, सिम्टम्स पढ़ते हैं, उसका उल्टा हमने कर दिया रिपोर्टरी, राइट। तो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे कि इसको एज अ रेफरेंस बुक भी हम यूज कर सकते हैं। सो इट कैन बी यूज एज अ रेफरेंस बुक इन सच कंडीशंस लाइक, मतलब कौन सी कंडीशन, द फिजिशियन इज अ कंफ्यूज टू सेलेक्ट अ सिमिलिमम, मतलब कि हर एक जो फिजिशियन है, अगर हम अभी स्टूडेंट हैं या फिर तो हम आगे चलकर हमारा जो क्लिनिक अच्छे से चलाएंगे, तो हमें सारे सिम्टम्स याद नहीं रहते, राइट। जितने मटेरियल के अंदर जितनी मेडिसिन है उन सब के सारे सिम्टम्स हमें याद नहीं रहते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिपोर्टरी का यूज करते हैं, बिकॉज कि हमें क्या मिलेगा, जो स्पेशल है आपके पास वो आपको सिम्टम बताएगा, ना कि वो आपको कोई मेडिसिन बताएगा। तो आप वो सिम्टम के बेसिस के ऊपर अपना सिमिलिमम ढूंढ सकते हो यहाँ पर। दूसरा है कि की नोट प्रिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे सकते हो, एंड इन द एक्यूट केसेस, इन एक्यूट केसेस क्या होता है कि हमारे पास जो पूरा का पूरा हमारा केस है उसको स्टडी करने का, उसको मतलब कि एनालाइज करने का, हर एक चीज़ का, मतलब हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमें जल्दी से उस चीज़ को प्रिस्क्राइब करना रहता है। तो हम उस चीज़ को किस तरीके से प्रिस्क्राइब करेंगे, हमें जल्दी प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए और अच्छा प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो हमारे पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक और हमारे पेशेंट के स्ट्राइकिंग सिम्टम्स जो हैं उनको ध्यान में लेंगे और उन सिम्टम्स को हम रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम उसका रिपोर्टराइजेशन करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी सिमिलिमम मिल जाएगी और एक अच्छे वे में एक अच्छी सिमिलिमम हमको मिल जाएगी, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेफरेंस बुक, कि एज अ रेफरेंस बुक आप रिपोर्टरी को किस तरीके से यूज करते हो, राइट, जो कि इसका एक मेन हम इसका यूज समझते हैं, राइट। अगर आपको आपको कोई भी बोलता है कि भाई रिपोर्टरी का आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूज है, तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि भाई हमारा मटेरियल मेडिका जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको कोई याद नहीं रख सकता, इसीलिए हमने क्या बनाया, रिपोर्टरी बनाया। लेकिन उसके आगे भी हमको देखना है कि जैसे थर्ड पॉइंट है हमारे पास रेफरेंस दी रिफ्रेश दी नॉलेज, राइट। तो जैसे हमको सारी चीजें याद नहीं रहती, तो हम इसके अंदर धीरे धीरे जो सारे सिम्टम्स हैं उसको देख कर, जो सारी मेडिसिन हैं उनको देख कर, हम हमारी नॉलेज को भी रिफ्रेश कर पाते हैं। और उसी के साथ साथ आप आगे देखोगे तो अराउंड 10 to 12 हमारे पास यूजेस हैं रिपोर्टरी के, ठीक है। तो रिपोर्टरी का सिर्फ एक यूज ये नहीं है कि हमें उसको क्लिनिक के अंदर यूज करना है, जबकि हम हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। सो देयर इज अ कॉन्स्टेंट यूज ऑफ द रिपोर्टरी बाय द फिजिशियन कैन रिफ्रेश हिज नॉलेज। अब उसकी जो नॉलेज है वो रिफ्रेश कहाँ होगी, एक तो मटीरिया की उसकी नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगी, कि लाइकवाइज कि आपने कोई सिम्टम देखा, कोई रूब्रिक देखा, उसके आगे लिखी हुई है एकोनाइट, अब आपको पता भी नहीं था कि भाई वो एकोनाइट के अंदर इस तरीके का सिम्टम आता है, तो ये क्या हो गया, आपकी नॉलेज रिफ्रेश हो गया, आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा भी हो गया। दूसरी चीज़ है कि सिम्टम्स, तो सिम्टम्स आप बायफर्गेट कर पाओगे जैसे जैसे आप रिपोर्टरी यूज करोगे वैसे वैसे, कि भाई हाँ ये मेंटल सिम्टम होते हैं, जनरल सिम्टम होते हैं, ये मेंटल जनरल्स होते हैं, ये फिजिकल जनरल्स होते हैं, पैथोलॉजिकल होते हैं, क्लिनिकल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्यादा अच्छे से सिम्टम्स को बायफर्गेट भी कर पाओगे। एंड मेडिसिन विद द डिफरेंट ग्रेड्स,
अब आप रेपर्टरी के अंदर देखोगे एक यूनिक चीज मुझे भी लगती है कि रेपर्टरी, हर रेपर्टरी का अपना अपना एक ग्रेडिंग होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख पाओगे कि हाँ भाई एक एक मतलब कि दो मेडिसिन अगर आपके पास सिमिलर आ रही है, मतलब सेम आ रही है, तो उसके अंदर से आप कौन सी मेडिसिन अपने पेशेंट को दोगे। तो ये भी ये चीज आप कैसे मतलब समझ पाओगे, बाय द ग्रेडिंग ऑफ द मेडिसिन, राइट। कि जिसका ग्रेड ज्यादा है उसको आप मटेरिया मेडिका के अंदर पढ़ोगे एंड देन आप प्रिस्क्राइब करोगे, ठीक है। एंड द फोर्थ हमारा यूज क्या है कि कंप्लीट सिम्टम। अब इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द कंप्लीट सिम्टम बिकॉज इट हैज ऑल द डेटा एट वन प्लेस, राइट। जिससे कि हम हमारी हमारा जो पेशेंट है उसके जो सिम्टम्स है उसको कंप्लीटली कर पाएंगे। जैसे सबसे अच्छी हमारे रिपोर्टरी इसके लिए कौन सी है, BTPP, बिकॉज की BTPP में क्या है, हम कंप्लीट सिम्टम्स मिलते हैं LSMC के अंदर, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट के अंदर। तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे पेशेंट के कंप्लीट सिम्टम्स जानेंगे। फिफ्थ वन इज अ कंप्यूटर रिपोर्टरी। अब कंप्यूटर रिपोर्टरी जैसे आज का हमारा जमाना है तो उसके अंदर हम इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टरीज लेकर नहीं बैठ सकते। अब उसका भी एक सॉल्यूशन ला दिया गया है कि आप कंप्यूटर रिपोर्टरीज ले लो, ठीक है। आपके कंप्यूटर के अंदर ही सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, देन आपको कंप्यूटर रिपोर्टरी में तो क्या करना होता है कि अपने सिम्टम्स डालने होते हैं एंड वो रूब्रिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन उसके बाद आपके पास पूरा एनालिसिस एंड इवोल्यूशन करके आपके पास फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ मेडिसिन आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी फास्ट एंड वेरी इजी वे, राइट। द फास्ट इट फास्ट द प्रोसेस एंड इट हेल्प्स टू स्पीड अप द रिट्राइवल ऑफ द नोन फैक्टर्स, ठीक है। सिक्स्थ वन इज अ सिमिलिमम। मतलब सिमिलिमम ढूंढने के लिए, सिमिलिमम फाइंड आउट करने के लिए आपको ये किस तरीके से हेल्प करेगी, तो ऑफ कोर्स आप जैसे जैसे रिपोर्टरी का यूज करते सीख जाओगे, मतलब अच्छे से रिपोर्टराइज करना सीख जाओगे, तो क्या होगा आपको, जैसे मैंने आगे बोला कि सिम्टम्स के बारे में नॉलेज आना शुरू हो जाएगा, उसी के साथ साथ आपको ग्रेडिंग करना आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करने लग जाओगे कि अच्छे से सिमिलिमम ढूंढना शुरू कर दोगे। अगर कोई एक पर्सन ऐसा है जिसने कभी भी रिपोर्टरी यूज नहीं करी है और एक पर्सन ऐसा है जो डे टू डे उसकी क्लिनिकल लाइफ के अंदर रिपोर्टरी का यूज करता है, तो दोनों का जो सिमिलिमम होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। बिकॉज की जो फर्स्ट वन है जो कि कोई भी बिल्कुल भी उसने रिपोर्टरी का यूज नहीं किया है, तो क्या होगा कि उसको उसको जितनी नॉलेज है, उसने जितनी मेडिसिन पढ़ी हुई है और जितने मेडिसिन उसने पढ़ी है उसमें भी जितने सिम्टम्स उसने पढ़े हुए हैं सिर्फ वही उसी का नॉलेज उसको होगा। जबकि अगर कोई पर्सन है जो कि डे टू डे लाइफ में रिपोर्टरी का यूज कर रहा है तो उसको क्या होगा, उसकी नॉलेज में भी इजाफा होता रहेगा और उसी के साथ साथ क्या होगा कि मतलब वो और ज्यादा अच्छे से सिमिलिमम ढूंढ पाएगा, राइट। सो इट हेल्प टू फाइंड आउट द सिमिलिमम बाय कैटेगराइज, रीअरेंज, इवेल्युएट द सिम्टम्स, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द रूब्रिक्स, ओके। सेवेंथ वन है हमारे पास स्टडी द मटेरिया मेडिका, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था यहाँ पर जब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे थे कि हम रिपोर्टरी का यूज करके हमारी नॉलेज बढ़ा सकते हैं इन मटेरिया मेडिका। उसके लिए आप अलग से इसका एक पूरा पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, बिकॉज कि हम यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो हमको उसके अकॉर्डिंग भी हमारे आंसर को अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इट प्रिपेयर फ्रॉम द मटेरिया मेडिका, सो द मेडिसिन कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द रिपोर्टरी इन हेल्प इन द कंपैरेटिव स्टडी, राइट। जैसे कि एक सिम्टम आपके पास लिखा हुआ है उसके अंदर चार पांच आपके पास मेडिसिन लिखी हुई है, तो अब उन चार पांच मेडिसिन को पढ़कर, मटेरिया मेडिका के अंदर पढ़कर आप क्या कर सकते हो, उन चारों मेडिसिन को एक दूसरे के साथ कंपेयर कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, राइट। कि भाई आपके पास कोई एक पर्टिकुलर इस सिम्टम वाला पेशेंट आया है तो उसको आप इन चारों में से कौन सी मेडिसिन ज्यादा दोगे, राइट, कौन सी मेडिसिन दोगे इन शॉर्ट, बिकॉज कि हमको एट अ टाइम सिर्फ एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है, तो उसके लिए भी आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए। द इंटेंसिटी ऑफ द ड्रग इज ऑल्सो स्टडीड बाय रिपोर्टरी ऑफ द सिम्टम इन द ड्रग। देन एट वन क्या है, सजेस्टेड
suggested and related remedies. So it helpful for the selecting the drug for the second prescription also. जैसे कि आपने बहुत सारी बीटी पे भी है हमारे पास है, आई थिंक कैंट के अंदर भी है कि आपको लास्ट के अंदर एक बहुत बड़ा सा कॉलम मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर आपको जो मेडिसिन है उनका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है या फिर तो उनके रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हेल्पफुल रहता है कि आपको एक ही बुक के अंदर सारी चीजें मिल रही है, ठीक है, तो आप सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस चीज को यूज कर सकते हो. Boning Hussain was written the separate valuable section for the relationship of the remedies. जैसे मैंने BTPB में बोला था, BTPB के author कौन है? Boning Hussain है, और उन्होंने अपनी जो repository है, जो BTPB है, उसके अंदर last में उन्होंने relationship of the remedy concordance part दिया हुआ है, और वो उनकी repository का एक unique one भी है, ठीक है, तो लाइक ये चीज भी आपको सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन, सो मॉडर्न रिपोर्टरीज आर द कंसीडर इज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. मॉडर्न रिपोर्टरीज कौन सी है? जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कैंट है, बीटीपीबी है, बीबीसीआर है, तो वो क्या है? वो पुरानी रिपोर्टरीज है, बिकॉज कि ये इन सब के ऑथर कौन कौन है, तो कैंट है, Boning Hussain है, बोकर है, वो डॉक्टर हेनेमन के जमाने के होम्योपैथ है, ठीक है, तो उनको मतलब कि इतना ज्यादा उनके उनके टाइम के टर्मिनोलॉजीज भी कुछ रिफर करती हैं, प्लस उनके टाइम में कुछ ऐसी जो डिजीजेस हैं वो नहीं होती थी जो हमारे टाइम में होती है. लेकिन कुछ मॉडर्न रिपोर्टरीज एक दो है, लाइक फाटक हो गई, लाइक मर्फी हो गई, ठीक है, तो वो जो रिपोर्टरीज है वो मॉडर्न रिपोर्टरीज है. उसके अंदर आपको क्लिनिकल सिम्टम बहुत ज्यादा मिलेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे डिजीजेस मिलेंगी जो कि आप डे टू डे लाइफ में देखते हो. इवन दो कैंट, बोगर, Boning Hussain के जमाने में इतना ज्यादा वैक्सीनेशन का नहीं था, लेकिन अभी हम देखते हैं तो हम जो हमारा बच्चा भी अगर पैदा होता है तो उसको बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हम उसको देते हैं, तो वैक्सीनेशन की वजह से भी कुछ डिजीजेस लाइक होती है, कुछ रैशेस वगैरह होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो उसके लिए भी मॉडर्न रिपोर्टरीज के अंदर आपको अलग से चैप्टर्स लिखते हैं, ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी फॉर फिजिशियन टू फाइंड आउट द सिमिलिमम एट दैट टाइम, ठीक है, बिकॉज कि अगर कोई बच्चा है जिसको कि वैक्सीनेशन की वजह से कुछ हुआ है, ठीक है, उसको कुछ साइड इफेक्ट हुआ है वैक्सीनेशन का, तो उसके पेरेंट्स को क्या होगा कि भाई मैं होम्योपैथ के पास जा रहा हूँ तो मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, राइट, इसीलिए कोई पेशेंट आता है आपके पास कि भाई मेरे बच्चे को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो एट दैट टाइम आप उसका मतलब पूरा एनालिसिस इवोल्यूशन करोगे, ये करोगे, वो करोगे, केस टेकिंग करोगे, उससे अच्छा है कि आप मॉडर्न रिपोर्टरीज का थोड़ा सा नॉलेज रखोगे तो आप तुरंत ही आपकी मेडिसिन आ जाएगी, ठीक है. I consider as the source of the information. Each medicine is mentioned against a rubric is source of information, ठीक है. Selection of the right rubric. We have to find out the right rubric among the similar rubrics with the help of the cross reference. अब देखोगे कि जो भी जितनी भी आपको repositories मिलेंगी उन सबके अंदर कहीं ना कहीं cross reference है. अब cross reference क्या होता है वो भी एक आपको 5 marks की short note आती है कि जैसे कि कोई एक symptom है आपके पास, कोई mind का कोई एक symptom है, like एंजाइटी हो गया, ठीक है, या फिर तो सी सिकनेस हो गया, ठीक है, तो उसी के रिलेटेड कोई दूसरा मतलब कि उसका जो मीनिंग है उसी के रिलेटेड एक दूसरा वर्ड है, राइट, तो वही वर्ड से भी आपको रूब्रिक दिया हुआ होगा और उसको आपकी जो फर्स्ट आपका सिम्टम था, फर्स्ट रूब्रिक था, उसी के पास में लिखा हुआ होगा कि भाई आप जाकर इस रूब्रिक को भी चेक कर लो, बिकॉज कि दोनों रूब्रिक जो है उनके अंदर मेडिसिन डिफर करती हैं, ठीक है, तो आपका जो इन शॉर्ट जो रूब्रिक का सिलेक्शन है या फिर तो रूब्रिक सिलेक्शन ठीक होगा तभी जाकर आपकी मेडिसिन ठीक होगी, ठीक है, तो मेडिसिन का सिलेक्शन भी आपका ठीक होगा, ठीक है, तो जो क्रॉस रेफरेंस है वो भी एक बहुत अलग से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है रिपोर्टरीज का. और एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारा क्रेडिशन, ओके, एंड द 10th वन इज द सिंथेसिस ऑफ द न्यू सिम्टम्स. मतलब कि सिंथेसिस करना, इन शॉर्ट दैट मींस कि दो चार जो हमारे सिम्टम्स हैं उनको एक साथ मिलाना, ठीक है, तो लाइकवाइज कि बहुत सारे सिम्टम लाइक जनरल फिजिकल जनरल्स हो गए, फिजिकल पर्टिकुलर्स हो गए, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, फिजिकल सिम्टम्स बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंथेसिस ऑफ द न्यू सिम्टम्स भी आप कर सकते हो.
फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन कब, जब हम केस टेकिंग करते हैं, ठीक है। तो जब आप केस टेकिंग करते हो तब आपको जब मतलब कि आपने अगर रिपोर्टरी अच्छे से 2-3 बार आपने केसेस सॉल्व करे हुए हैं किसी पर्टिकुलर रिपोर्टरी को लेकर, जैसे कि हम पॉपुलरली यूज करते हैं कैंट की रिपोर्टरी, ठीक है। तो लाइकवाइज कि आपने 5 जो आपके केसेस है वो कैंट की रिपोर्टरी से आपने सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि आपके पास कोई कफ या फिर तो कोल्ड वाला या फिर तो किसी के मेंटल सिम्टम वाला कोई पेशेंट आता है तो आप उसको क्वेश्चन किस तरीके से पूछोगे, जिससे कि आप और ज्यादा अच्छे से मतलब जितने ज्यादा आपको सिम्टम्स मिलेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप जो सिमिलिमम है वो ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ द रूब्रिक एंड द सब रूब्रिक कैन बी हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, राइट, एंड विच इज एसेंशियल फॉर द केस टेकिंग, राइट। तो ये क्या चीज हो गई कि आपको नॉलेज भी देती है रिपोर्टरी, आपका सिमिलिमम में भी हेल्प करती है, आपको मेडिसिन भी सजेस्ट करती है, आपका इंफॉर्मेशन भी बढ़ाती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इतने ज्यादा आपको यूजेस मिलते हैं रिपोर्टरी के। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो मैंने बिनोमिक बनाया था उसके अंदर फर्स्ट क्या था, होम्योपैथी वर्सेज पैथोलॉजी, दूसरा था कि रेफरेंस ऑफ द बुक, देन आर टू के अंदर जो सेकेंड आर था विच इज अ रिफ्रेश द नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, सी टू के अंदर जो सी वन है विच इज कम्प्लीट सिम्टम, और दूसरा सी है विच इज अ कंप्यूटर रिपोर्टरीज, S6 मतलब कि यहाँ पर 6 S आएंगे, तो उसके अंदर फर्स्ट वन इज अ सिमिलिमम स्टडी मटीरिया मेडिका, सजेस्ट द रिलेटेड रेमेडी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन ऑफ द राइट रूब्रिक एंड सिंथेसिस ऑफ द न्यू सिम्टम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है F विच मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ द रिपोर्टरी। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको दूसरे कोई जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो चाहिए देन यू कैन ऑल्सो tell me in the comment section, and thank you so much for watching.